पॉर्न स्टार को भगवान बना दिया है। मैं खुद जाके खुद गालियां देना चाहूंगा। तुमको कहां से मैं बार बार लगूं? मैं राखी सावंत आई हूँ लीला को गीला करने। बगैर कपड़ों का तो हर किसी को पसंद आता है, उसमें क्या पसंद करोगे आप? जान जान है तो जहान है। ये उंगली उंगली आप ही उंगली उंगली बोलोगे तो उंगली मतलब वेरी बैड वर्ड। चल बजड़ी के बिग बॉस चाहते हैं कि बगजोत बाबा जी आप बिग बॉस का रोस्ट करिए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो यार ये एक ऐसा चूतिया शो जहाँ पे 18 चूतिया एक चूतिया से चैनल पे 3 महीने के लिए 100 करोड़ चूतियों का चूतिया काटते हैं और सिर्फ अपनी चूतिया टीआरपी के लिए। हेरो, पहले बिग बॉस की बात तो सुन लो। बिग बॉस चाहते हैं कि आप उन लोगों का रोस्ट करें जो बिग बॉस का नाम यूज करके लाखों में व्यूज छाप रहे हैं। ओ अच्छा, ऐसा तो यार बोलना चाहिए था ना पहले ही, खामा खा 2 लाइन में अपना रोस्ट करवा लिया। नहीं, ये तो वही बात हो गई, गए थे पहाड़ खोदने अपनी गांड खुदवा के आ गए। ऐसा जब ही होता जब आपको नहीं पता होता कि सेक्शन 377 अब लीगल हो चुका है। और बकचोदी कैसी चल रही है? बकचोदी मुझे पता है यार तुम्हारी अच्छी नहीं चल रही है। हाँ यार, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेट आई है। तो यार जैसा कि तुम लोग मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे होगे तो तुम्हें पता होगा मैं अपने घर गया हुआ था, यानी अपने शहर में। अब बहुत से लोगों के मन में ये बात आ रही होगी अपना शहर कौन सा शहर, तो यार मैं तुम्हें अपने शहर की एक बात बताना चाहूंगा। मेरे शहर में लोग खड़े खड़े बातें चोद देते हैं और उसके ठीक 9 महीने बाद पता चलता है क्या हुआ है, बकचोदी। तो चलो यार उसी बकचोदी का इंस्पिरेशन लेके आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बिग बॉस चाहते हैं कि जो लोग बिग बॉस 12 के विनर के नाम पहले ही बता रहे हैं उनके बारे में आप कुछ कहें। यार अगर आज की डेट में तुम लोग सर्च मारोगे ना बिग बॉस 12 विनर नेम तो तुम्हें दुनिया भर के रिजल्ट मिल जाएंगे, और मैं बता रहा हूँ भैया सारे के सारे रिजल्ट फेक, क्योंकि खुद मैंने सारी वीडियोस देखी हैं। तुम लोग मत देखना, ये सारे काम हमारे लिए ही छोड़ दो। और इन लोगों की ये फर्जी वीडियोस देखने के बाद मैं सिर्फ एक ही बात सोचता हूं। भाई हमेशा तू ही क्यों सोचता है? ठीक है ना यार, इस बार मैं तुम्हें इनकी सोच दिखाता हूं। जब भी लोग इनकी वीडियोस देखने के बाद इनको गाली देते ना तो ये लोग सिर्फ एक ही बात सोचते हैं। मैं ऐसा क्यों हूँ? तो सुन भाई, मैं तुझे बताता हूँ कि तू ऐसा क्यों है। क्योंकि तू वो बंदा है जो गटर चाप अगरबत्ती को जला के अपनी गांड में ले लेता है। अभी और सुन। इतना ही नहीं, तू सोचता है कि उल्टी चड्डी सर पे पहनने से पुलिस वाले तेरे चालान नहीं काटेंगे। अभी और सुन। पूरे यूट्यूब पे दूसरे यूट्यूबर की गांड सूंघता फिरता है कुत्तों की तरह। दिवाली के रॉकेट को गांड में लगा के जला के सोचता है कि ये मार्स पे पहुंच जाएगा। अब अगर तुम लोग इतना गलत गलत सोचोगे और उसके बाद इतनी गलत गलत वीडियो बनाओगे तो भैया लोग गाली तो देंगे ना। तेरी माँ की चूत, तेरी माँ का भोसड़ा फड़वे, तूने क्या किया रे? बिग बॉस चाहते हैं कि ये जो राखी सावंत अनूप जलोटा के बारे में जो बोल रही है आप उस पे कुछ कहें। अनूप जलोटा जी, मुझे रियली वांट टू सी, क्या आप कांड कर सकते हो अभी? यू नो आपकी गर्लफ्रेंड सो हॉट एंड सेक्सी, लंबी टॉल सेक्सी, क्या आप कांड कर सकते हो? आई रियली डोंट नो क्या आप कांड कर सकते हो? अरे यार वो कांड करें या ना कांड करें तुझे उससे क्या, और तू उनके बारे में कुछ भी बोले मुझे उससे क्या। पर बिग बॉस ने मुझे बोला है कि तेरे बारे में कुछ तो बोलना है, तो चलो यार एक लाइन मैं भी बोल ही देता हूँ। जो कांड करे बेटी चोर, जो कांड ना करे अभी बेटी चोर, जिसकी ऐसी गर्लफ्रेंड हो अभी बेटी चोर, और जिसकी गर्लफ्रेंड ना हो अभी बेटी चोर, मेरे लिए तो सब बेटी चोर। बिग बॉस चाहते हैं, अरे क्या चाहते हैं, चाहते हैं यार बिग बॉस चाहते हैं यार ये चाहते हैं वो चाहते हैं यार, कभी कुछ दे भी दिया करो। अरे सिर्फ चाहते ही हो क्या? चलते नहीं हो, हकते नहीं हो, मूतते नहीं हो, सूंघते नहीं हो, चाहते हैं बिग बॉस चाहते हैं। अरे हटाओ तुम्हारी माँ का साकी नाका, अब तो तुम पे ही करना पड़ेगा रोज। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने बिग बॉस बनाया, अरे घंटा वेंचो। नहीं देखो यार, तुम लोगों को एक बात तो माननी पड़ेगी, बिग बॉस सीजन 1 हो या फिर 5 या 10 या 11, किसी को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हर कोई जानता है, चाहे वो बिग बॉस देखता हो चाहे ना देखता हो, वो भी ये जानता होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चीजें मिलेंगी और वो होंगी सिमिलर पिछले वाले एपिसोड से, चुतियापा, रणडी रोना, बकचोदी और मूत। नहीं, मूत वाला तो सिर्फ 10 के लिए ही था, स्पेशल था। तो ये चीजें तो बिग बॉस में मिलनी ही मिलनी है। तो मैं तुम्हें बताऊंगा बिग बॉस की स्टोरी जो आज तक चली आ रही है, जो हर किसी को पता।